तो बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवा क्यों बात न माने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसी बिल्डिंग में मेरा भी ऑफिस है, मैं यहीं काम करता हूँ। आप अब तक नाराज हैं मुझसे? मेरी नाराजगी से किसी को क्या फर्क पड़ता है? आपने कभी सच जानने की कोशिश नहीं? क्या करूंगा मैं सच्चाई जान के? क्या मिल जाएगा मुझे? नहीं जाननी मुझे तुम्हारी कोई हकीकत ना ही सच्चाई। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे गलतफहमी में मुब्तला तो रहने क्यों नहीं दे रहे हो मुझे इस गलतफहमी में? क्या हो जाएगा अगर तुम मेरी गलतफहमी दूर कर दोगे? तो सब कुछ तो खो दिया है मैंने अपना, नायाब हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से जा चुकी है। बेहतर होगा कि आज के बाद तुम भी जब मुझे देखो अपना रास्ता बदल लो। बाद प्रॉमिस किया था वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, फिर वो क्यों चलेंगे? जाना मेरी जान, रब का हुक्म है, अल्लाह की मर्जी। आपके पापा अपनी खुशी से तो नहीं गए ना, आपको ऐसे रोते हुए देखेंगे तो बहुत तकलीफ होगी। चुप कर जाओ मेरा बच्चा, चुप कर जाओ। शायद आपको ऑड लग रहा हो मैं क्यों इस तरह अकेले में आपसे बात कर रहा हूं, इससे पहले कि हमारी मंगनी हो और हमारी जिंदगी का एक नया आगाज हो, मैं आपसे एक बहुत अहम बात कर रहा हूं। मैं नहीं जानता मेरी वालदा ने मेरी जिंदगी के बारे में, मेरे बेटे के बारे में आपको कुछ बताया भी है या नहीं। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। उसके बावजूद आप ये शादी करने पर राजी हो गई, क्यों? तो इससे क्या होता है, अच्छे बुरे हालात इंसान के बस में नहीं है, तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जिस तरह से आपकी किस्मत में यह लिखा था, हो सकता है उसी तरह मेरी भी तकदीर में ऐसा ही लिखा हो। हाँ, लेकिन फिर भी
एक बेटे के बाप से शादी करना बहुत हौसले की बात होती। क्या हुआ? आप भी उदास क्यों हो गई? मेरे बहुत बचपन में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। सारी जिंदगी में बाप के प्यार को तरसी हूं। माँ या बाप में से किसी एक ही महरूमी इंसान को सारी जिंदगी के लिए कर्म में मुब्तला कर देती है। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। आपने अपनी बीवी को जिस भी मजबूरी में छोड़ा हो, मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन मैं खुद को गुड्डू की जगह रख के सोचती हूं तो मुझे लगता है मैं उसके लिए कुछ ना भी कर सकी तो इतना कर दूंगी कि वो मुझे अपनी मां समझेगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी। अरे अरे, कहाँ घुसते जा रहे हो इस खातून को लेकर? देवरानी है आपकी, ज़ेबुन्निसा नाम है इसका। बंदा तरीके से इस्तबाल ही कर लेता है। हमें क्या इल्हाम होना था कि तुम यूं राह चलती को दुल्हन बनाकर लेकर आ रहे हो और हम पहले से ही फूलों के हार लेकर रास्ते में खड़े हो जाते इस महारानी के इस्तकबाल के लिए? निकालें निकालें, दिल की भड़ास निकालें, जितनी मर्जी चाहे निकालें। ये क्या ड्रामेबाजी? आपके भाई निकाह करके आ गए हैं इससे। बीवी है मेरी। नबीद, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बस भाई, बहुत रोब झेल लिया आपका, काफी जलील हुआ हूं मैं, लेकिन अब नहीं, अब जो बात होगी बराबरी की होगी। अस्सलाम वालेकुम जेठ जी, काफी जिक्र सुना है आपका नवीद से, लेकिन मुलाकात आज पहली बार हुई है। खैर चलो, यहाँ तो मैं कोई सलामी नहीं देने वाला, आ जाओ। मुंह उठाकर आ जाने वालियों को सलामियां कोई नहीं देता। इजाजत? बिल्कुल, ये बात बेटा अंगूठी बनाओ जी।
पहनाओ बेटा। मुबारक बाबू, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। मुबारक हो, खैर मुबारक। अल्लाह के फजल से ये नया काम तो हो गया माशाल्लाह। बस अब आप हमें शादी की तारीख दे दें ताकि मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जाऊं रुख्सत करके। और देखे तो सही गुड्डू किस तरह से घुल मिल गया शर्मीन के साथ। सफिया बच्चे तो मोहब्बत के भूखे होते हैं बस। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पर हमारा गुड्डू तो प्यार का ही दीवाना है। आंटी आपने फिर तारीख का नहीं बताया। बेटा वो सफिया शादी की तारीख के लिए बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्यों, आप तो जानती हैं ना दो ही तो बच्चे हैं मेरे, शर्मीन और बेटा काशिफ। काशिफ जर्मनी में होता है, इस रिश्ते का बताया था मैंने उसे और बहुत खुश है वो, लेकिन वो कह रहा था कि बहन को रुख्सत में खुद आकर करूंगा। और सही बताऊं तो मेरी अपनी भी यही ख्वाहिश थी कि शादी पे वो जरूर शिरकत करे। उसको आने में 2-3 महीने लग जाएंगे तो फिर डेट में जब ही दूंगी। लेकिन जब रिश्ता तय हुआ था मैंने आपको साफ साफ बोला था कि हमें जल्दी शादी करनी है। सफिया मैं कौन सा आपसे 1 साल मांग रही हूँ, बस 2-3 महीने के लिए तो कह रही हूँ, और फिर देखिए ना शादी की तैयारियों में इतना टाइम तो लग ही जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप आंटी, आप बेफिक्र रहिए, आपको शादी की तैयारी में जितना भी टाइम चाहिए वो आपको मिलेगा। लेकिन बात मैं कह रहा हूं ना आपसे, इतने प्यार से वो रिक्वेस्ट कर रही है, आंटी आप बेफिक्र रहिए, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं, जितना टाइम चाहिए वो लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहो, अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुशियां दे। आप लीजिए ना चाय ठंडी हो रही।
मामा बाबा कह रहे हैं कि खाना ले आए जल्दी। ये बाबा के पास रखो, बाकी चीजें ला रही मैं, और चाचू को भी बुला लो। नहीं नहीं हमें नहीं खाना, मैं अपना और जेबी का खाना लेकर आया हूँ। चाचू ये टिक्के और कबाब हमें भी देना। हाँ हाँ बिल्कुल दूंगा, जाओ प्लेट लेकर आओ। हमें किसी की लाई हुई कोई चीज नहीं चाहिए बेटा। मम्मा बोला ना नहीं चाहिए। हाँ तो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, इसमें अकड़ किस बात की? अपनी मेहनत की कमाई से लेकर आया हूँ, हराम की कमाई से नहीं। आइंदा से आपको जो भी खाना है आप मामा और पापा को बताएंगे, किसी और से नहीं। आ रही है समझ? चलो चाला, मेरा बच्चा बस भी कर दो आप, चुप कर जाओ। मामा पहले मेरी मम्मा चली गई और अब मेरे पापा भी दुनिया से चले गए। मैं अकेली हो गई हूँ इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं रहा इस दुनिया में। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं हूं ना आपके पास, आपकी मामा। आपके बाबा तो मुझे भी अकेला छोड़ के चले गए, आपके पास तो आपकी मामा है। मुझे अपने बाबा के पास जाना है। वहां अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई नहीं जा सकता। आपके बाबा आपकी मामा के पास गए हैं, दुआ करो कि वो वहां खुश हों। मुझे मेरी मम्मा के पास भी जाना है, मेरे पापा के पास भी जाना है। चाला बेटा मत करो ऐसी बातें, आपके पापा की रूह तड़पेगी। चुप कर जाओ, बस चलो खाना खाओ। खाना खा लो, वीकनेस हो जाएगी मेरा बच्चा। ये लो। मेरे लिए भी नहीं खाओगी? क्या जरूरत थी खामखा में इतना टाइम देने की? अब जब वो टाइम मांग रहे थे तो मैं क्या करता, जबरदस्ती करता उनसे? ऐसे तो नहीं हो सकता था। बाबा मुझे नींद आ रही है। ना मेरी जान, आप जाके चेंज करो, मैं आके सुला देता। कोई जरूरत नहीं, इतना छोटा बच्चा नहीं है ये कि इसको गोद में लेकर तुम सुलाओगे। अकेला सोने की आदत डालो इसको, कल को बीवी आ जाएगी, बाद के झगड़ों से बेहतर है इंसान पहले एहतियात से चले। अम्मी
इसी वजह से तो मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। दादो आपको तो मैं अच्छा ही नहीं लगता, इससे बेहतर तो ये था मैं घर ही ना आता वापस। गुड्डू सुन लो ये इतने से बच्चे की गज भर की जबान क्या सुना रहा है दादी को। हाँ तो अम्मी आप ही बस कर दीजिए ना, क्यों छोटे बच्चे के साथ जिद कर रही हैं, बहस लगा रही हैं। मेरी जिंदगी में थोड़ा सा सुकून क्या आ रहा है, आप उसको बर्बाद करने पे तुली हुई। अब गुड्डू चलो मैं तुम्हें चेंज करवा देती हूँ। लो आ जाओ गुड्डू मैं चेंज करा देती हूँ। तुम पुप्पो और ये बाप मिलकर ना इस बच्चे को कहीं का ना छोड़ना। हाँ तो क्या करें, घर से बाहर निकाल दें इसे, बेटा है मेरा। चलो आओ गुड्डू। बहस करने का कोई फायदा ही, दिमाग उलट गया इस लड़के का, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अम्मी तो आपकी मुझे समझ नहीं आती है, अगर भाई को ये बातें नहीं पसंद कि आप गुड्डू के बारे में ऐसा वैसा कहें तो आप क्यों कहती हैं? अरे भाड़ में जाए, सुनता है सुने, नहीं सुनता ना सुने, मेरा काम था समझाना, आगे इसकी मर्जी। अनोखा ही बच्चा पैदा हो गया। जेबी, तुम्हारा मनपसंद खाना आ गया, आ जाओ ठंडा हो जाएगा। चलो जल्दी से शुरुआत करो, हम यहाँ अकेले अकेले खाना खाएं, मजे करें, और वहां मेरी अम्मा बेचारी अकेली होगी, पता नहीं उसने खाना खाया होगा भी कि नहीं। अरे खा लिया होगा यार खाना, इतनी रात हो गई है। मेरे बगैर तो वो एक दिवाला तक नहीं लेती, और मुझसे भी कुछ नहीं खाया जाएगा। तुम क्या चाहती हो, हम उन्हें यहाँ पर लेकर आ जाएं? एक काम करते हैं ना, हम ये सारा खाना अम्मा के पास ले जाते हैं, वहाँ मिलकर खा लेंगे। अरे तुम्हें मालूम है आज हमारी शादी की पहली रात है और तुम अम्मा के घर जाने की बात कर रही हो। तो क्या हुआ, खाना खाकर वापस आ जाएंगे ना? हम खाना खा लेते हैं, खाने के बाद हम उनके पास चले जाएंगे खाना लेके। अच्छा मतलब मेरी माँ इतनी गई गुजरी है कि हमारा बचा कुचा खाना खाएगी? तो फिर यूं क्यों नहीं किया जाए कि हम पहले खाना खा लेते हैं, फिर उनके लिए बाहर से खाना लेके जाते हैं, क्योंकि ये खाना तो ठंडा हो जाएगा ना वहां जाते जाते। हाँ ये ठीक रहेगा, वैसे भी पता है अम्मा को गर्म खाना खाने की आदत है, और हाँ वापसी में हम पान भी खाएंगे। तुम जो बोलोगे हम खाएंगे, अब शुरुआत करो। Thank you.
बेचारी बच्ची अकेले ही रह गई, ना माँ रही ना बाप। सोतेली माँ का आसरा रह गया। सोतेली माँ भी कभी सगी बनी है? लोग सगी माँओं के लिए क्यों रोते हैं? क्या किया जा सकता है? मुझे तो लगता है नानी ले जाएंगी उसे, यहाँ नहीं छोड़ेंगी। नानी तो इंतकाल में भी नहीं आई तो लेके कैसे जाएगी? ले जाए तो अच्छा है, वरना बच्ची की जिंदगी रुल जाएगी। क्यों रुल जाएगी? मेरी बच्ची की जिंदगी क्यों रुल जाएगी? मेरी औलाद है ये, मैं क्यों किसी को लेके जाने दूंगी इसे? माफ करना, वो तो सौतेली माँ। माँ माँ होती है, सगी या सौतेली नहीं। इसका बाप इसे मेरे हवाले करके गए, इसलिए आप सबको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मैं इसकी परवरिश किस तरह करती हूँ। ये मुझे अपनी सगी औलाद से बढ़कर अजीज है, समझी आप? खैर, ये तो मुंह देखे की बात है। आप लोगों को जरा शर्म नहीं आ रही है मौत वाले घर में ऐसी बातें करते हुए? आप लोग यहाँ पे दिलासा देने हैं या हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने? इस बच्ची ने अभी अभी अपना बाप खोया है, और इसे तसल्ली देने के बजाय आप लोग इसके जहन में पता नहीं किस किस तरह का जहर घोल रहे हैं। बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हमें ऐसी झूठी हमदर्दियों की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाई, ये क्यों चाहेगी कि कोई यहाँ पर आए और इस बच्ची से हमदर्दी करे? बस बहुत सुन लिया मैंने, आप लोग जाएं यहाँ से, जाएं। चलो। अस्सलाम वालेकुम। तुम जहेज में कोई नौकर नहीं लेकर आई जो यूं किचन गंदा करके आ जाती हो? चलो उठो, उठो फौरन जाकर किचन साफ करो। चलो। तुम किसी नौकर से कम हो क्या? मुझ पर हाथ उठाने से पहले ना सोच लेना, मेरा नाम ना जेबी है। यहीं खड़े खड़े ना आधा जमीन में गाड़ दूंगी तुमको। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं जो तुम्हारे आगे झुकेगी। तुम मेरी बहन हो भी नहीं सकती, और खबरदार खबरदार अगर मेरी बहन का नाम भी लिया तो। नवीद तो कमजोर निकला, जो हम जैसे खानदानी लोग उसे रास नहीं आया, और तुम जैसी को उठा कर ले आया। वही खानदानी जिसकी बहन शादी की रात अपने आशिक के साथ भागने लगी थी? तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे खानदान के बारे में कुछ नहीं जानती? और तुम हो कौन? आइंदा अगर मेरे बारे में कुछ भी बोला ना तो जान ले लूंगी तुम्हारी। We'll be right back.
हेलो, मैं शर्मीन बात कर रही हूँ। आपके पास मेरा नंबर कहाँ से है? वो सिद्रा से नंबर लिया मैंने। आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मेरी सिद्रा से बात हुई थी। आप काफी परेशान हैं गुड्डू को लेकर, और जिस तरह वो गुम हो गया था उसका रवैया काफी बदल सा गया है। जी ऐसा ही है, लेकिन अब बहुत बेहतर है माशा, और मैं चाहती हूँ बहुत बेहतर हो जाए। थैंक यू। इबाद, क्या ये मुमकिन है कि मैं गुड्डू से मिल सकूं? ठीक है, मैं शाम में ले आता हूँ उसे आपके पास। जी बहुत शुक्रिया। ख्याल आया और खरीद लिया। आपकी कलाई में अच्छे लगेंगे, आगे बहुत अच्छे लग रहे। आपको अच्छे नहीं लगे? फूल किसे अच्छे नहीं लगते। और पेन आने वाला? फूल आने वाला जिस मोहब्बत से लाता है वही तो इनकी असल खूबसूरती होती है। तो क्या आपने महसूस कर लिया उस मोहब्बत को जो मेरे दिल में आपके लिए? जाना, क्या हुआ मेरी जान? मामा, मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। आपको भी तो याद आ रही है ना मामा? लोग कहते हैं कि अब मेरी स्टेप मदर है तो मेरे साथ बहुत बुरा करेंगी। आपको ऐसा लगता है मैंने पहले कभी आपके साथ गलत किया है? पहले तो पापा थे ना,
मैंने आपके पापा से वादा किया कि मैं जान से बढ़कर आपका ख्याल रखूंगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों कदर न जाने ओ बेपरवाह क्यों बात न माने।